की एसओजी व थाना शिकोहाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान अशोक दीक्षित गैंग के 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वह 3 अभियुक्त भागने में सफल रहे। इनके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब व वाहन बरामद हुए हैं। फिरोजाबाद के शुकाबाद क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर कुछ बदमाश चारपहिया वाहन दोपहिया वाहनों से फिरोजाबाद के शुकाबाद क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर कुछ बदमाश चारपहिया वाहन व दोपहिया वाहनों से भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ नैनसुख जाने वाले रास्ते पर मैनपुरी के प्रसिद्ध शराब व्यवसायी द ज्वेलर्स के मालिक उमेश गुप्ता के यहाँ डकैती की योजना बना रहे थे। मुखबिर के बताए स्थान पर खड़े बदमाशों की घेराबंदी पुलिस ने की तो पुलिस को मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने चालाकी से 5 अभियुक्तों को मैं वाहन व अवैध हसलों के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। जनपद फिरोजाबाद पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है, इसमें शिकोहाबाद पुलिस और स्वाट सर्विलांस टीम ने मिलकर के एसपीआरए राजेश कुमार के नेतृत्व में काम किया है और इसमें एक 5 डकैतों के एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है। ये पूरे के पूरे जो डकैतों के गैंग हैं, ये अशोक दीक्षित गैंग जो D27 गैंग है, फिरोजाबाद में रजिस्टर्ड है, उससे जुड़े हुए पाए गए हैं। ये पूरा गैंग मैनपुरी में सराफा मार्केट में गुप्ता ज्वेलर्स के यहाँ डकैती डालने का के प्रयास में जा रहा था और हमारी पुलिस टीम की इन बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इसमें टोटल 8 लोग थे, इसमें शामिल 5 लोग कार में सवार थे, 3 लोग एक बाइक पे सवार थे। 3 लोग जो बाइक पे सवार थे वो बाइक छोड़ करके वो अंधेरे का फ़ायदा उठा के भाग गए हैं। बाकी 5 लोग जो कार में थे उनको हम लोगों ने पुलिस मुठभेड़ में इनको गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 5 असलहे और 50 कारतूस बरामद हुए हैं। एक बहुत बड़ी बरामदगी है असलहा और कारतूसों की। साथ ही साथ जो कार थी I-20 कार सफ़ेद कलर की, वो बरामद हुई है। बाइक है, बाइक सफ़ेद अपाचे कलर की, वो बरामद हुई है। और ये 5 बदमाशों में जैसे जो मुख्य सरगना है मनीष यादव, उसका नाम है, उसको साइलेंट किलर के नाम से शिकोहाबाद में जाना जाता है। ये चौथ और रंगदारी वसूलने में माहिर माना जाता है, लेकिन इसकी कोई शिकायत इसके बारे में अभी तक हुई नहीं थी। एक शिकायत इस पर हुई तो उसमें मुकदमा कायम है, उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। तभी से यह राडार पर था और लगातार इस पर निगरानी रखी जा रही थी। अचानक हम लोगों को सूचना मिली कि ये सारे बदमाश इकट्ठे होकर के मैनपुरी में जा करके एक सराफा के यहाँ बड़ी डकैती डालने की योजना में है, और उस सूचना पर काम करते हुए हम लोग तत्परता से घेराबंदी किया गया और इनको बीती रात हम लोगों ने मुठभेड़ में इनको गिरफ्तार कर लिया है। इससे न केवल मैनपुरी के सराफा मार्केट में एक बड़ी घटना को टालने में कामयाबी मिली है, बल्कि इतनी बड़ी बरामदगी असलहा कारतूसों की हुई है। एक पूरा रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। अशोक दीक्षित गैंग का पूरा इसमें रोल उजागर हुआ है। बाकी जो फरार बदमाश हैं उनकी गिरफ्तारी बहुत जल्दी की जाएगी, लेकिन जो मुख्य सरगना है मनीष यादव, उसके और उसके 4 साथियों ने कुल 5 लोगों को गिरफ्तार करके आज न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। इस पर बाकी कार्रवाई फॉलो अप कार्रवाई अभी आगे भी जारी रहेंगी। इसमें और भी बातें हैं जो अभी हम आपको प्रिंट मीडिया के सामने और साथ शेयर करेंगे। बहुत सारी बातें हमने प्रेस नोट में लिख रखी हैं, इस पर आगे भी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, लेकिन फिलहाल इस बड़े गैंग को भंडाफोड़ करते हुए आज इनको जेल भेजा जा रहा है। जिस टीम ने ये बड़ा काम किया है मैनपुरी में डकैती की वारदात को रोकी है, और हमारे फिरोजाबाद में भी बहुत बहुत सारे व्यापारियों को और बहुत सारे लोगों को इससे राहत मिली है। अच्छा काम करने वाली इस टीम को 25,000 रुपये का नकद इनाम दिया जा रहा है। साथ ही साथ उच्च अधिकारियों को भी लिखा गया है कि टीम की हौसला अफजाई के लिए प्रशस्ति पत्र और नकद इनाम की घोषणा करने का कष्ट करेंगे। सर, ये आगरा में डकैती हुई थी बैंक में, क्या उससे भी इसके तार जुड़े हुए हैं? नहीं, ये पूरी पूछताछ हुई है। उस बैंक डकैती से कोई तार नहीं जुड़े हैं, लेकिन इस गैंग का जो मनीष यादव मुख्य सरगना है और उसके 4 साथी हैं, उनसे पूछताछ में बात सामने आई है कि आगरा में एक हाई प्रोफाइल मर्डर करने के लिए अभी 10 से 15 दिन पहले ये लोग पूरी टीम बनाकर गए थे, उसमें नाकाम हो गए। उसके बाद जनपद फिरोजाबाद में भी इन लोगों ने कई मर्डर्स को अंजाम देने में भूमिका निभाई है, लेकिन अभी तक इनका नाम प्रकाश में नहीं आया था। इनसे पूछताछ में जो महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं उनको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल करते हुए आगे की तफ्तीशों में और इसमें काम किया जाएगा।